और कल इमरान खान साहब की साहब का बीवी रेहान खान ने ये बात की है कि इमरान खान साहब एक नालायक इंसान है, तो उसका सर वो फ़ख्र पाकिस्तान है जनाब, उनके ऊपर हमें फ़ख्र है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, ठीक है अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से दे, हम सब उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और इमरान खान साहब की साहब का बीवी रेहान खान ने कल ये बात की है कि इमरान खान साहब एक नालायक इंसान है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी ये तो बुरी बात है जी, ये किसी को नालायक कहना क्या ख्याल है आपका, ये अच्छी बात है जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंसान है, रब की जात है, किसी को भी नालायक मत कहें जी, ये क्या है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद नालायक है ना, जो नालायक है उसको दूसरों को नालायक बोलते हैं ना, जो नालायक नहीं हो तुम नालायक नहीं तुम मेरे को बोल सकते, वो खुद ऐसे है। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, ठीक है हमें फ़ख्र है जो बातें उन्होंने कही हैं दीन के बारे, इस्लाम के बारे में, ठीक है टोटल मुसलमानों का मुकदमा लड़ा जनाब उन्होंने, माशाल्लाह ग्रेट लीडर। वाह बेकार कुड़ी है, पता नहीं कौन है, वो बेफजूल है ना, उसने बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना। उन्होंने जो बात की है आप सब जानते हैं आप कि उन्होंने ये बात क्यों किया है, क्योंकि अब उनके वो पर्सनल लाइफ है, उनके पर्सनल इख्तलाफात भी थे, तो इस तरह वो इसको इस सियासत को पर्सनल उसमें यूज़ कर रही है कि मतलब बदनाम करने की, एक तरह की साजिश कर रही है इमरान खान साहब को, उनको डिसअपॉइंट करने की, मतलब अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकती तो आप डिसअपॉइंट तो ना करें, तो यही है कि अब उन पर और क्या कमेंट करें हम लोग। और कल इमरान खान साहब की साबका बीवी रेहान खान ने ये बात की है कि इमरान खान साहब नालायक इंसान है, इस पर नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हर चीज़ का टाइम होता है, ऐसी बातें करने का टाइम होता है और बेशुमार टाइम है जिन पे ये बातें करनी चाहिए, ये टाइम नहीं है इंशाल्लाह। इंडिया के एक जज ने इंटरव्यू के दौरान ये बात की है कि इमरान खान साहब को अमन की बात करने पर नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, तो इस पर आप क्या कमेंट करें? उस पर तो ट्रंप साहब ने पहले ही कमेंट दे दिया जी, ट्रंप साहब ने कहा जी नोबेल प्राइज़ का तो हकदार मैं हूँ, तो बाल ये कि इमरान साहब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे कौम के रहनुमा हैं, अगर उनको भी नॉमिनेट किया जाता है नोबेल प्राइज़ के लिए और अगर उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है तो ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए बहुत इज़्ज़त की बात है, अच्छी बात है। यार ये तो सब पता है कि कौन नालायक है और कौन नहीं है नालायक, ये तो सारा पाकिस्तान जानता है कि रेहान खान एक कह सकते हैं कि यार उन्हें फेमस जिन्होंने पाया इमरान खान की वजह से ही पाया, उनसे शादी हुई है तभी के बाद उनको लोग जाना लगे हैं, और वो एक मतलब एक होता है ना, मतलब आपको एक पॉइंट चाहिए था किसी के टॉपिक में आने के लिए, एक मैं मीडिया के एक सर्कल के अंदर के आने के लिए कि हाँ भाई बात बनी जाए, मुझे भी लोग जानते रहे, वो एक आध कोई ना कोई ट्वीट कर देती है इमरान खान के ऊपर वो, और फिर पता चल जाता है हाँ भाई मैं भी हूँ, मेरे बात में लोग बातें कर रहे हैं, वह यही है यार, उसके ऊपर बात ना की जाए तो अच्छा है क्योंकि। और इंडिया के एक जज ने अपने इंटरव्यू में ये बात किया कि इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अक्वामे मुत्तहिदा में अमन की बात की। यार ये पता है इंडिया भी जानता है, इंडिया की अवाम भी जानती है कि जो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो गलत कर रही है, वो मतलब वो मुसलमानों का कत्ल कर रही है, वो भी जानते हैं यार अखबार इंसानियत है, उनके भी कोई उनकी भी दिल है, वो भी इंसान है, वो भी उनको भी पता है कि ये गलत हो रहा है, तो उनको भी पता है कि ये जो हमारी हुकूमत कर रही है गलत कर रही है, आखिरकार इंसान है सही तो निकलना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ नरेंद्र मिलना चाहिए बिल्कुल, ग्लोबल क्या अवार्ड मिलना चाहिए उनको, बिल्कुल ग्लोबल प्राइज़ बिल्कुल मिलना चाहिए इनको, ज़रूर मिलना चाहिए, बिल्कुल सच कहा उन्होंने। नहीं माशाल्लाह से इमरान खान हमारे वो वाहिद पहले लीडर हैं जिन्होंने मतलब एक खुल के वो मतलब UN में जा के बात की है, वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कोई प्रेशर उन पर नहीं था, वो डरे नहीं, दलेरी से उन्होंने बात की, और जो इंडिया ने बात छुपाई कश्मीर के बारे में, हालांकि इंडिया ने एक बात तक नहीं की कश्मीर के बारे में, उनके नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वरीजा में इमरान खान ने बात की जाके वहाँ पे, उन्होंने बताया कि ये है इंडिया ये छुपा रहा है, कितना जुल्म कर रहा है, तो ओवरऑल इमरान खान ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैसेज दिया है, माशाल्लाह से इमरान खान जैसे ही पाकिस्तान आए उन्होंने कोई मतलब कोई छुट्टी नहीं ली, कोई वो नहीं लिया, वो फ़ौरन ही कश्मीर चले गए जहाँ पर जंजला आया मीरपुर में, वहाँ वो चले गए, उन्होंने वहाँ पे बात की, मतलब जाए उन्होंने आवाम से जाके बात की, उनकी हेल्प की, मतलब इससे ये जाहिर होता है कि इमरान खान वो पाकिस्तान का भला करना चाह रहे हैं, ना कि वो मतलब वो खाने की कोशिश में, जिस तरह नवाज शरीफ लोगों ने किया, बिल्कुल पहले हुकूमत ने जिस तरह किया वो इस तरह बिल्कुल नहीं है, वो पाकिस्तानियों का भला चाह रहे हैं, हमने जो वोट दिया मुझे लगता है कि हमारा जो वोट है वो सही जा रहा है, वो इमरान खान जो हक अदा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से सही जा रहा है सब कुछ।
हमारे पीएम है सर, उन्होंने बहुत अच्छा एक तो नुक्ते नज़र पेश किए हैं। सब चार जो मेन उनके पॉइंट्स थे तकरीर के स्पीच के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैसेज कन्वे किया है। सबसे पहले तो एक तो बीइंग ए पाकिस्तानी, फिर अब बीइंग ए मुस्लिम, उन्होंने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की है। पूरी दुनिया के सामने जो है ना इनको इनका चेहरा जो है बिल्कुल उजागर कर दिया है, मोदी साहब का और इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। और फिर इस्लाम के मामले में भी देखें आप कि उन्होंने बहुत अच्छा उसका साबित किया है कि जी मुसलमान बेसिकली दहशतगर्द नहीं है, इन्होंने हमने हमारे ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया है। और बहुत अच्छी स्पीच थी जनाब, और मेरा ख्याल है कि एज ए पॉलिटिशियन जो है मसलन एक पार्टी से हट के भी जो बाकी पार्टियों के लोग हैं उन्होंने भी उनको उसको अप्रिशिएट किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है इस पे अमल दरामद भी होगा, मामलात आगे चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं हम तो सर मुतमईन है, इमरान खान की पॉलिसी से मुतमईन है, उनके मामलात से मुतमईन है, ऑनेस्ट बंदा है, डेड ऑनेस्ट बंदा है। लेकिन ये कि सारी टीम अब हम सारी इमरान खान तो हम नहीं ला सकते, उनके पॉलिटिकल पार्टी में भी है कमजोरियां हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उनको दूर करने की, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उनसे, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इंशाल्लाह वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए हमारी कौम के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह वो करेंगे, हम उनकी पॉलिसी से मुतमईन हैं। देखिए जी मैं तो मैसेज फ़िलहाल यही देना चाहूँगा कि जो उन्होंने तकरीर की है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी की है। इमरान खान साहब की तकरीर के बाद आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान बहुत तो अच्छा काम किया, वो हमारे लिए तो बहुत किया, मुसलमान लोग के लिए ऐसे बात किया जो मुस्लिम लोग है उस लिए बहुत ऐसे कुछ किया, तो ये 70-80 साल में अभी तक कुछ भी नहीं किया लोगों, हमने ऐसे बात लोग किया जो इमरान खान ने किया। माशाल्लाह जी ग्रेट लीडर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने लीडर पर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रेट लीडर, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, जो छोटे छोटे मामलात इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट लीडर हमारा, हमें फ़ख्र है। इमरान खान साहब की स्पीच के बाद हमने सब ने देखा है और पूरी दुनिया ने यह बात तस्लीम किया है कि उन्होंने जिस तरह स्पीच किया है, हमारे पुराने जितने भी लीडर हैं, जितने भी देख रहे हैं शरीफ हुकूमत देख रहे हैं जरदारी, उसमें किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर ये बात कर सके, वो एक पाकिस्तान के लीडर बन के नहीं गया वहाँ पे, वो उम्मत मुसलमान के लीडर थे, और ये बात हम सब तस्लीम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह नाम लिया, मतलब कुलभूषण जाधव का पहली दफ़ा यूएन में किसी ने नाम लिया है कि इंडिया का भाई, जिस तरह हमें पहले बदनाम किया जाता था हाफिज़ सईद लोगों के नाम से, पाकिस्तान दहशतगर्दी बना रहा, तो फर्स्ट टाइम किसी लीडर ने हमारे ने जाके इंडिया के किसी दहशतगर्द का नाम लिया है, तो इससे ये बात है कि इमरान खान के हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो अब अपोजिशन अभी भी बातें कर रही है कि उन्होंने मतलब ये सही स्पीच नहीं किया ये वो, तो इससे उनसे पूछने को उन्होंने पहले क्या किया किस, और उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर के जब उन्होंने बात की है कि जब आपकी अफगानिस्तान साथ जंग थी या रूस के साथ हो, हमारे जो मुजाहिदीन तंजीमों को आपने यूज़ किया उस वक्त ये मुजाहिदीन थे, अब जो अब आपके खिलाफ हैं वो उनको आप दहशतगर्द बना रहे हो, तो ये इस तरह से साबित होता है कि वो एक सच्चे लीडर है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए।